के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि वो संबोधित करेंगे तो यात्रा में आएंगे या बाद में आप लोग प्रोग्राम करेंगे? जो स्टेट की यात्रा है उसका समापन जब गया में होगा तो उसमें राहुल जी को हम लोग, अब वो तो बौखलाए हुए लोग हैं, देख रहे हैं कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार घट रही है। आपने देखा होगा पिछला जो दो राज्यों का चुनाव हुआ, दोनों जगह उनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गुजरात में तो सरकार उन लोगों ने रिटेन किया, बचाया, लेकिन नड्डा जी के गृह राज्य में वो चुनाव हार गए तो उन्होंने संबोधित किया। आज जब हम आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं, पहले दौर की यात्रा और मकर संक्रांति की वजह से जो हम लोगों ने 4-5 दिन का ब्रेक लिया, तो 110 किलोमीटर की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है और मेरे दोनों मित्रों ने बताया कि 5 जनवरी से बिहार राज्य की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और हम हृदय से बिहार कांग्रेस की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने पहली बार किसी स्टेट की यात्रा को आके हरी झंडी दिखाने का काम किया, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया और उस दिन लाखों लोगों की रैली हुई जिसको उन्होंने संबोधित किया। आज जब हम आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं, पहले दौर की यात्रा और मकर संक्रांति की वजह से जो हम लोगों ने 4-5 दिन का ब्रेक लिया, तो 110 किलोमीटर की यात्रा हम लोग कर चुके हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस के उन तमाम मित्रों का जिन्होंने इस यात्रा में अपनी सहभागिता दी, खास करके यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल के लोगों को विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे तो ये यात्रा बिल्कुल गैर राजनीतिक है, राहुल जी की यात्रा के संदेश को लेकर हम लोग बिहार के गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कड़ाके के ठंड के बावजूद लाखों लोगों ने इस यात्रा में अपनी सहभागिता दी। दोनों जिला में हर जगह जहां भी थे मैं गुजरा, महिला मां बहने टीका लगाकर हमको आशीर्वाद दी या और यात्रा का समर्थन दी। जहां कहीं नौजवान हजारों की संख्या में आगे बढ़ते भारत जोड़ो यात्रा का नारा लगाते हुए उन लोगों ने भी समर्थन, कहीं कहीं कुदाल लेके किसान भाई भी आगे रहे, ट्रैक्टर लेके आए, ट्रॉली लेके अपना आए, उन लोगों ने भी समर्थन दिया। मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रहा था कि महंगाई से निजात दिलाई। जिस तरह से नफरत की और घृणा की राजनीति देश में हो रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल जी को की तरफ विशेष तरफ से हम लोगों को कहा जा रहा था कि राहुल जी को कहिए कि हम लोग मजबूती से खड़े हैं और वो घृणा और नफरत की राजनीति को इस देश से खत्म करें, कांग्रेस पार्टी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इससे हम लोगों को और साहस और उत्साह बढ़ा कि नहीं, सचमुच में ये जो मुद्दा है जिसको लेकर हमारे नेता राहुल जी ने शुरू किया 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसको निश्चित रूप से बल मिला और गांव गांव तक ये बात पहुंची। हालांकि ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन कांग्रेस को इससे निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आने वाले 2024 के चुनाव में भी निश्चित रूप से इस यात्रा का असर पड़ेगा। मकर संक्रांति के बाद जो ब्रेक हुआ है, पुनः 16 तारीख से खगड़िया से ये यात्रा प्रारंभ होगी और बचा हुआ 1100 किलोमीटर का जो यात्रा है वो हम लोग समाप्त करेंगे गया में आके
बिहार कांग्रेस ने न्योता दिया है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, और हमको लगता है कि फरवरी के पहले सप्ताह में पटना में वो रैली फिर से हम लोग यहाँ करेंगे, और जब समापन होगा तब तक राहुल जी की यात्रा समाप्त हो चुकी रहेगी, और समापन समारोह में फिर से गया में एक बड़ी रैली करके इस यात्रा का समापन करेंगे। आज वस्तुतः यही बात करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी आएंगे क्या समापन के बाद, जैसा आप कह रहे हैं कि वो संबोधित करेंगे तो यात्रा में आएंगे, या बाद में आप लोग प्रोग्राम करेंगे? जो स्टेट की यात्रा है उसका समापन जब गया में होगा तो उसमें राहुल जी को हम लोग, ये कब आप लोग रखा है समापन का? ये मोटा मोटी 55 दिन ये यात्रा चलेगी, जो इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, लेकिन अब उसमें कुछ ब्रेक भी होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि लगातार होगा, तो मानिए 4-5 दिन 6 दिन। जैसे प्रियंका जी का बताया मतलब फरवरी के पहले सप्ताह तक पटना हम लोग पहुँच जाएंगे, उसी तरह गया में कब पहुँचे उधर का अभी बना नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा आगे जब किए के बाद मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। राहुल जी अब इधर से पूछा जा रहा है, उधर मैं देख रहा हूँ कैमरा के तरफ कितना देखी मैं। संजय यात्रा अब वो तो बौखलाए हुए लोग हैं, देख रहे हैं कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार घट रही है। आपने देखा होगा पिछला जो दो राज्यों का चुनाव हुआ, दोनों जगह उनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गुजरात में तो सरकार उन लोगों ने रिटेन किया बचाया, लेकिन नड्डा जी के गृह राज्य में वो चुनाव हार गए और वहां कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये बात समझी जा सकती है कि संजय जायसवाल जी क्यों ऐसा बोल ये अखिलेश जी। आप महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद के साथ भी लंबे समय तक रहे हैं, तो झारखंड की जिस तरह नीतीश जी के खिलाफ लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो क्या राजद को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए ऐसे तो अब तक कुछ न कुछ डिसीजन हो गया रहता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी बीमार हैं और इस अवस्था में नहीं हुआ होगा क्योंकि वो एमएलए हैं, लेकिन राजद के मित्रों से भी मेरी बात होती है, राष्ट्रीय जनता दल में उस बयान से कोई खुश नहीं, और खुद उप मुख्यमंत्री ने अपना बयान दे के स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग खुश नहीं है, और जरूर ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है महागठबंधन में, कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के बयान का निंदा करती है। अखिलेश जी क्या बिहार सरकार में मंत्रिमंडल से कांग्रेस खुश है कि और ज्यादा दावेदारी का दावा करेगी? नहीं, तो मैं पहले दिन ही ये कहा था कि इसमें खुश और संतुष्ट होने का बात नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो संख्या है उसके हिसाब से और मंत्री बनना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उन्होंने कहा भी कि नहीं हम यात्रा के समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार करेंगे और उसमें कांग्रेस के भी मंत्री बनेंगे। पीएम फेस पे सवाल उठ रहा है जी, पीएम फेस पे सवाल उठ रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, महागठबंधन एक है या फिर अलग है ये बताइए पीएम फेस आखिर क्या? महागठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ एक है, सातों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी होगी, और जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देश की गद्दी से अपदस्त नहीं करेंगे तब तक चट्टानी एकता बनी रहेगी। एक एक करके पूछिए तो मैं जवाब दे दूंगा। AICC के मेंबर्स का अभी जल्दी हो जाएगा, एक दो सप्ताह के अंदर होगा, अभी है मलमास इसको कहा जाता है ना, मलमास तो बीतने दीजिए उसके बाद सब हो जाएगा। मुख्यमंत्री साहब मिले थे, कितने मंत्री का कांग्रेस की तरफ से डिमांड है? अब ये बताना अभी आपको क्यों जरूरी है, और इसको मैं जरूरी नहीं समझता, एक्सपेक्टेशन आपके क्या है? एक्सपेक्टेशन है दो मंत्री मेरा बनना चाहिए,
एक्सपेक्टेशन जिस हिसाब से बाकी पार्टियों में की मंत्रियों की भागीदारी है उस हिसाब से मेरा दो बनता है, दो और बनना चाहिए। मतलब आपको काउंटिंग नहीं आता है तो उसमें बोलिए मैं गिना हूँ। ये तो जनता दल यू तय करेगी कि किसको डिप्टी सीएम बनाना है, किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको बोर्ड और निगम का अध्यक्ष बनाना है। इस सवाल का निश्चित उत्तर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, ये सवाल मेरा नहीं है। मुझे लगता है एक सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बयान अपना दिया, स्पष्ट किया है, तो अब इस सवाल पर ये फिर बनता नहीं है।